हेलो एवरीवन, थैंक यू दीपा मैम, थैंक यू अमूल, आपने मुझे चांस दिया कि आपके पेज पे मैं आ सकूं, अपनी रेसिपीज को शो कर सकूं। थैंक यू सो मच। सो प्लीज आज जल्दी जल्दी सब लोग ज्वाइन कर लीजिए। दिस इज माय फर्स्ट वीडियो, माय फर्स्ट लाइव सेशन। सो आई विश कि आप लोग जो भी कोई मेरी कमी हो उसको मुझे गाइड करें। सो लेट्स स्टार्ट। आज बस ज्वाइन करना, सब लोग स्टार्ट कर दे थोड़ा सा। हेलो एवरीवन, जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए सब लोग। सब लोग कहाँ रह गए आज? There is no one live now. Thank you, Bhavna ji. जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए सब लोग, बहुत गर्मी हो रही है तो आज कोल्ड कॉफी बनाएंगे हम लोग। हेलो सीमा मैम, कॉफी बनाएंगे हम लोग। तो आ गए सब लोग लाइव, जल्दी जल्दी लाइव आइए ना, मुझसे भी इंतजार नहीं हो रहा आज आप लोग से मिलने के लिए। सीमा मैम पूछ रही हैं आप क्या बना रहे हैं? सीमा मैम आज कोल्ड कॉफी बन रही है। जी मैम आप आइए कभी, टेस्ट करिए कोल्ड कॉफी। ओ मैम अपनी डॉटर को लेके आइए मैम प्लीज। अभी तो चार ही पांच लोग आए हैं, ऐसा क्यों? जल्दी जल्दी आइए सब लोग, eagerly waiting for you all. I think we should hopefully start now. मैम बिल्कुल आइए। चलिए सो लेट्स स्टार्ट। तो आज की हमारी रेसिपी है कोल्ड कॉफी। हालांकि यहाँ पे सब लोग समझ रहे हैं पूरे इंडिया में इस समय पे तापमान 42, 44, 47 कहीं कहीं और भी ज्यादा, व्हाटएवर इट इज, लेकिन अभी गर्मी में राहत सिर्फ ठंडी चीजें दे रही हैं। तो आज एक नई ठंडी चीज बनाते हैं। खैर सबके लिए है पुरानी, नए तरीके से नई
कुछ चेंजेस करके उसको स्टार्ट करेंगे। सो मेरा नाम अंकुश गुप्ता है, ये मेरा फर्स्ट लाइव सेशन है यहाँ पे अमूल के पेज पे। थैंक यू दीपा मैम, थैंक यू सीमा मैम एंड थैंक यू द एंटायर कम्युनिटी ऑफ अमूल जिन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम मौका दिया अपनी चीजों को और खुद को यहाँ पे प्रेजेंट करने के लिए। सो आई विश कि मैं चीजों को सही से कर सकूं और आप लोग का सपोर्ट मुझे रिक्वायर्ड होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। सो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे हुए, बिना बकबक, बिना गपशप, सो लेट्स स्टार्ट हमारी रेसिपी आज की। आज की रेसिपी के लिए हमें चाहिए होगा अमूल का मिल्क, फुली क्रीम मिल्क चाहिए होगा, अमूल आइसक्रीम्स, थोड़ी सी कॉफी, थोड़ी शुगर और सीजनिंग के लिए, ड्रेसिंग के लिए थोड़ी सी चीजें। सो सबसे पहले हम थोड़ी सी शुगर लेंगे और मिक्सर ग्राइंडर में अपने उसको ग्राइंड करेंगे। आप आके देख सकते हैं या प्रॉपरली मैंने इसको ग्राइंड किया है, पूरी तरह पाउडर एकदम हो चुकी है, ये देख सकते हैं आप। देखिए पूरी एकदम प्रॉपर पाउडर्ड है, जरा सा भी दाना नहीं पता चल रहा। अब इस शुगर के साथ थोड़ी सी ठंडी राहत को इन्वॉल्व करेंगे अपनी, जो है बर्फ, थोड़े से क्रश्ड आइस, जो कि जाएगी हमारी शुगर के साथ। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, शुगर डाली, कॉफी डाली और दूध डाला, हल्का सा मिलाया और काम खत्म। इसके अलावा कॉफी में एक अलग टेस्ट, कुछ अलगपन वो नहीं ला पाते हम लोग। सो आज उसको हम लोग नहीं ट्राई करेंगे, थोड़ी सी कॉफी बीट करके। अब आप ये देख सकते हैं मैं बीट करने के लिए उसको डायरेक्टली एक स्पून कॉफी थोड़ी स्ट्रॉन्ग वो आइस और चीनी के साथ मिक्स कर रहा हूं। आइए देखते हैं। अब देख सकते हैं बर्फ के साथ ही पूरी तरह मिक्स हो रही है। अब इसको थोड़ा सा और क्रीमी टेक्सचर देने के लिए थोड़ी सी और कॉफी स्ट्रॉन्ग, ताकि आपका टेस्ट बहुत ही लाजवाब निकले उसका। आपने इसको ग्राइंड किया, प्रॉपर बर्फ ना हो जाएगी, आपको बर्फ की बूंदे भी नहीं आएंगी और सिर्फ और सिर्फ एक ठंडी कॉफी। आप देख सकते हैं किस तरह से ये कॉफी का कलर आ रहा है, एकदम ब्राउनिश कॉफी, क्रीम कलर। तो लेट्स स्टार्ट, अब हम इसमें डालेंगे दूध। याद रहे अमूल का फुल्ली क्रीम्ड मिल्क हो। हमने इसको भी चला दिया, इसको थोड़ा सा स्लाइटेड ज्यादा चलाएंगे, ताकि ये हमारी ग्राइंड सही से हो, हमारा दूध सही से पूरी तरह कॉफी के साथ मिक्सचर में आए और ठंडी हो सके। आप देख सकते हैं कॉफी का कलर और जो हमारा पहले टेक्सचर था उसमें कोई भी फर्क नहीं आया, बहुत स्लाइट चेंज आया, जिसकी वजह से कॉफी का टेस्ट बहुत अच्छा आया होगा। एक बार इसको थोड़ा सा और कोट करेंगे। जी हाँ, ये हो गई हमारी कॉफी तैयार। कोल्ड कॉफी एक अलग ही अंदाज है, एक अलग ही खुशी है बच्चों के लिए। आप भी अपने बच्चों को इस समय पे गर्मी में बाहर निकलने
से बचाएं और घर ही पे कॉफी बनाएं। देख सकते हैं मैं किस तरह से इसमें, इसकी ध्यान रहे कि इसमें से जो इसकी झाग है उसको दूर ना भगाएं, उसको जरूर एंजॉय करें। अब देख सकते हैं अब इसी के ऊपर थोड़ी सी ड्रेसिंग करेंगे, थोड़ा कॉफी पाउडर अगर आप चाहें तो स्टिर कर सकते, अभी भी थोड़ा स्प्रिंकल कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे हमारी अमूल की आइसक्रीम, अमूल चॉकलेट ब्राउनी। ओ थोड़ी सी मेल्ट हो चुकी है आइसक्रीम, लेकिन ये और टेस्ट बढ़ा देगी उस चीज का। आप देख सकते हैं किस तरह से ये हल्की सी मेल्टेड आइसक्रीम है, लेकिन ये उसके और टेस्ट को इंक्रीज करेगी ताकि आपके आइस कॉफी के साथ पूरी तरह मिक्स हो सके। और ऊपर तक भर चुकी है यहां पर, जब तक आइस कॉफी में आइसक्रीम ना पड़े तो कोई मजा नहीं। ये हमारी रोल स्टिक्स, और थोड़ा सा मैंने गलती कर दी, थोड़ा सा ओवरफिल हो गया। अब आप इसमें एक बिस्किट्स को, ओरियो टाइप बिस्किट्स क्रश करिए और ऊपर से स्प्रिंकल करिए। ये हो गई है हमारी आइस कॉफी, कोल्ड कॉफी तैयार। थैंक यू एवरीवन टू ज्वाइन माय लाइव सेशन, एंड थैंक यू अमूल एंड सीमा मैम एंड दीपा मैम वंस अगेन टू गिव मी द अपॉर्चुनिटी टू स्टे देयर, एंड थैंक यू कांचा मैम। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड माय लाइव सेशन, लेट्स सी वंस अगेन समवेयर। थैंक यू मैम।